Hello students, welcome back to MS YouTube channel. Today in this video I start chapter number 4, grade 4, subject EBS. Chapter 4 name is The Story of Amrita. Again I am repeating, The Story, S-T-O-R-Y, Story of Amrita, A-M-R-I-T-A, Amrita. It means Amrita ki story hai. जो मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हियर आई राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लांट्स. व्हाई प्लांट्स आर नॉट मी कलर इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स. सो माय फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. We see various type of plants and animals in our surrounding area. Plants यानी कि grass, rose, lily, lotus, creeper, tree, shrub, herb, ये बहुत सारे plants हमने देखे होंगे. Animals like cow, cat, dog, horse, donkey, monkey, and birds we see pigeon, crow, parrot, peacock. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स आपने और हम सबने देखे होंगे. इसलिए बोला जाता है इफ वी आर हियर वी आर हियर. अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एफ ट्रीज आर हियर. आर हियर एंड हियर का मतलब कहा, इट हमारे वर्ल्ड में अगर हमारे नियर बाय अगर ट्रीज होंगे वी आर हियर तो हम होंगे. इट इज विदाउट ट्रीज हम कुछ एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं सकते. बिकॉज ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन. यस, एयर जो हमें वो देते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं. सो इफ ट्री आर देयर सो वी आर देयर, वो है तो हम. नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंट इज हार्म ड्यू टू ह्यूमन बैड हैबिट्स. विच बैड हैबिट्स? हैबिट्स यानी कि आदतें. हार्म ड्यू टू ह्यूमन बैड हैबिट्स एंड इट हैज चेंज अ लॉट. अगेन आई एम रिपीटिंग, एनवायरमेंट इज हार्म. एनवायरमेंट इज हार्म. एनवायरमेंट यानी कि हमारा ही वातावरण, ठीक है, हमारी जो वातावरण. हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाना. एच ए आर L-E-D, हम उसको नुकसान पहुंचाए ड्यू टू ह्यूमन. ह्यूमन मीन्स हम इंसानों के थ्रू, हमारे इंसान की जो बैड हैबिट्स है उनकी वजह से एनवायरमेंट को क्या होता है, हार्म होता है. कैसे, हाउ? हियर आई राइट इन टेन पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट हैज चेंज अलो, और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस किया है. विच टाइप ऑफ बैड हैबिट्स? दिस इज वाई द एग्जिस्ट of so many birds that were seen every year in the past is in danger today. It means जो चीजें बहुत सारे birds, different type के बहुत सारे birds, animals हमें दिखते थे वो अभी नहीं दिख रहे. In the present we cannot see many type of birds, animals and plants. पहले के जमाने में जब इंसानों की bad habits नहीं थी, they are not allowed cutting the trees, जानवर हंटिंग एनिमल्स, तो उससे पहले हम एनिमल्स को, जानवरों को, बर्ड्स को देखते थे. बट नाउ बाय अ ह्यूमन बैड हैबिट्स वी कैन नॉट सी मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन आर सराउंडिंग एरिया. सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट डैम टू सेव द एनवायरमेंट. हमें बहुत सारे ट्रीज लगानी चाहिए जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो जाए, सेफ हो जाए, बच जाए. ट्रीज एंड प्रोटेक्ट, हमें ट्रीज लगाने भी चाहिए एंड इसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट यानी कि इसकी रक्षा भी करनी चाहिए. P-R-O-T-E-C. नेक्स्ट पॉइंट,
we should be sympathetic and kind towards animals and should care for them. Again, I am repeating this point about plants, trees. We should be sympathetic and kind. हमें दयालु बनना चाहिए, kind बनना चाहिए, दयालु and sympathetic. दया दिखानी चाहिए. Towards animals and should care for them. हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. किसकी? Animals and birds की. हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके लिए हमें अच्छे से ध्यान रखना और उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. क्योंकि here I read this about animals and plants are very important for our life. Animals like cow, and a cow gives us milk. Milk में से बहुत सारी चीजें बनती हैं. Milk, butter, curd, cheese, many ice cream. ये सब चीजें किसमें से बनती हैं? Animals. And like hen, वो जो होती है वो eggs देती हैं, जिसमें सब नॉनवेज होता है, चिकन, मटन, expensive. वो इसलिए हमें animals बहुत जरूरी हैं. And plants, here are some important about animals and plants. Okay, now I give information about the plants and the benefits. हमें plants कैसे benefit देते हैं, कैसे वो हमारे लिए useful हैं, उसके मैं आपको है ना important information दूँगी. Okay, so student, my second topic is trees benefits. Trees हमें किस तरह उपयोगी हैं, benefits यानी कि वो हमारे किस किस काम आते हैं. So first, trees purify air. Purify air यानी कि वो हवा को साफ रखते हैं. Like we take oxygen from trees and we give to them carbon dioxide. हम carbon dioxide छोड़ते हैं जो trees लेते हैं and trees gives us oxygen, fresh air. Second, we feel cool in the shade of trees. We feel cool in the shade of trees. हम जो शेड यानी कि जो घने ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके शेड के नीचे हम क्या फील करते हैं? कूल, ठंडक फील करते हैं. एवर एनिमल्स ऑल्सो ट्रीज कीप्स द एटमॉस्फेयर कूल. ट्रीज कीप्स द एटमॉस्फेयर कूल. सपोज अगर ट्री नहीं होंगे तो पूरी तरफ क्या होगी, सूरज की रोशनी सन हीट की वजह से हमें गर्मी लगेगी, बट ट्रीज की वजह से हम मैंने जैसे बोला कूल फील करते हैं. तो जितने ज्यादा एंडमोर ट्रीज होंगे तो एटमॉस्फेयर हमारा वातावरण कैसा रहेगा, कूल रहेगा. नंबर फोर, ट्रीज बिंग रेन. ट्रीज वाटर साइकिल, अगर आपको याद हो वाटर साइकिल में ट्रीज तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ट्री बिंग रेन, ट्रीज की वजह से बारिश होती है. नंबर फाइव, ट्रीज प्रोवाइड्स वुड फॉर फर्नीचर. फर्नीचर के लिए वुड, गम, पेपर, लॉट्स ऑफ हर्ब्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम कहाँ से मिलता है, हमें ट्रीज में से. ट्रीज प्रोवाइड होम्स टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स. यस, ट्रीज बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को क्या प्रोवाइड करता है, घर, होम मीन्स घर. लाइक मोस्ट ऑफ एनिमल बर्ड्स मेकर नेस्ट, वो नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट में रहते हैं. तो नेस्ट वो कहाँ बनाते हैं, ऑन अ ट्री. ओके, नेक्स्ट, ट्रीज प्रोवाइड अस विथ मैनी थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ. हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेसेसरी थिंग्स है. नेसेसरी यानी कि जरूरत वाली चीजें होती हैं जो हमें कहाँ से प्रोवाइड मिलता है, कहाँ से मिलता है, ट्रीज में से. ओके, दिस इज सम पॉइंट्स, सेवन पॉइंट्स अबाउट बेनिफिट्स. एज टू ट्री के और भी बहुत सारे बेनिफिट, बट हियर आई राइट ओनली सेवन पॉइंट्स. नाउ कम ऑन दिस साइड, हियर आई पुट योर वन हेडिंग, खेजरी ट्रीज. खेजरी ट्रीज, के एच ई जे ए डी आई, खेजरी ट्रीज. इन दिस चैप्टर स्टोरी ऑफ अमृता चैप्टर नंबर फोर में इस ट्री के बारे में ज्यादा बताया गया. खेजरी ट्रीज, एज यू कैन सी पिक्चर ऑफ खेजरी ट्रीज मैंने उस साइड आपको शो किया है. नाउ आई गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट खेजरी ट्री. फर्स्ट पॉइंट, मैनी खेजरी ट्रीज ग्रू इन द
नेम खेजरी। खेजरी नाम का एक विलेज है जहाँ पर ये ट्रीज उगते हैं, नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजरी नाम के विलेज में जो जोधपुर के नियर बाय है, जोधपुर इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर जोधपुर, जोधपुर के यहाँ पर एक विलेज है, विलेज का नाम है खेजरी। ठीक है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, दीज ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट रीजन। ये वाले ट्रीज मोस्ट ऑफ डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट में रेगिस्तान। दे कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, सर्वाइव यानी कि रहना, जिंदा रहना। सो दे कैन, उस बार खेजरी ट्रीज सर्वाइव ऑन लेस वाटर, लेस वाटर यानी कि कम पानी में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। मेडिसिन इज मेड आउट ऑफ द पाल्प ऑफ दैट ट्री। इस ट्री का जो पाल्प होता है यानी कि नीचे का हिस्सा, ट्री का जो मोटा वाला नीचे का हिस्सा होता है, उसमें से क्या बनती है? मेडिसिन। ओके, लास्ट, इट्स वुड इज सच दैट नो इंसेक्ट्स अफेक्टेड। इसके वुड यानी कि जिसके पानी से, इसके वुड में से, बाग में से जो वुड का अगर उसमें से हम फर्नीचर बनाते हैं तो उस पर इंसेक्ट असर नहीं करते, कोई इफेक्ट नहीं करते। मैनी पीपल्स ईट फूड ऑफ दीज ट्रीज, फूड फ्रूट को कुक करके खाते भी हैं। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड द खेजरी ट्री, उसका ट्री भी आपने देख लिया। सो हियर आई एम राइटिंग 3-4 पॉइंट्स अबाउट द खेजरी ट्री। Now, in the story of Amrita, why in the Amrita's story we introduce the Khejri trees? Because Amrita is a girl, those were living in the village of Khejri. यहाँ पर Khejri के village में वो रहती थी। So one day, first of all, she was a well-renowned tree lover. उसको trees से बहुत प्यार था। Amrita is a tree lover. उसको trees से बहुत प्यार था। Daily in the morning में डेली वो जल्दी उठकर, she woke up early in the morning and she hugged to all trees, जो उसके नियर बाय घर के बाद जो ट्रीज थे उसको हग करती थी। एंड शी स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विथ ओनली ट्रीज बिकॉज शी थॉट कि दैट ट्रीज आर हर फ्रेंड्स, वो ट्रीज उसके क्या है, फ्रेंड्स है। सो वन डे आफ्टर सम टाइम, जैसे वो बड़ी होती गई, सो आफ्टर सम टाइम वन किंग, यस किंग वॉज रूल्ड ऑन दैट विलेज। सो उस किंग ने उस एरिया में, इस विलेज की पूरे जो भी है ना खेजरी ट्रीज है, ट्रीज को कट करने का ऑर्डर दिया था। बट अमृता, एज यू नो कि अमृता कौन थी, ट्री लवर थी, उसने सब विलेजर्स को बुलाया और उन्होंने चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया। चिपकू मूवमेंट मीन्स सब जने ट्रीज को हग करके खड़े हो गए एंड दे आर नॉट टोल्ड टू अदर किंग्स ने कि इफ यू आर कट कर ट्रीज सो फर्स्ट यू किल टू अस। उसने क्या बोला कि अगर आपको ट्रीज को कट करना है तो पहले आप घूमने मारिए, फिर एक्सी चला कर यानी लाइट चला कर आप ट्रीज को कट कर सकते हो। बट दैट टाइम आई नो कि कम कैम इन द विलेज और उसने देखा कि सब ऐसे ट्रीज को काट करके आप कट कर लोगे। सो शी थॉट कि दैट नाउ ट्री इज अ सो इम्पोर्टेंट, ट्रीज क्या है बहुत इम्पोर्टेंस होते, तो फिर उसने कट करने का प्रोग्राम क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और ऐसे ट्रीज क्या हो गए, बच गए। This is a story of Amrita, but this story I will explain in detail in the online lecture. Okay, and if you have any doubt, query regarding of this chapter, so definitely you can